Chinese subvariant has also reached India. Yes, the triggered over BF.7 variant. Should India be worried? World Health Organization has said China has been hiding the full extent of its COVID cases. चीन का कोविड दुनिया के लिए कितना खतरनाक? वैक्सीन के बावजूद चीन में करोड़ों लोग कोविड के चपेट में क्यों आ रहे हैं? दोस्तों 2022 भी बीत गया और नया साल हमारे सामने खड़ा है, लेकिन इस साल के साथ ही एक बार फिर कोविड-19 की ये चौथी वेव भी शुरू हो जाएगी। इस साल चाइना से आ रही खबरें इतनी भयावह हैं कि उसे सुनकर लगता है कि अभी तो ये कोविड का नया दौर खत्म नहीं होने वाला। दरअसल बीते दिनों चाइना में कोविड के एक नए वेरियंट BF.7 के बहुत ज्यादा केसेस सामने आए। आपको बता दें कि ये वेरिएंट कुछ और नहीं बल्कि उसी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जिसने भारत से लेकर पूरी दुनिया में मौत के ऐसे आंकड़े दिए थे मानो कोई बिलियनियर या ग्रोइंग बिजनेसमैन हो। ग्राफ नीचे जा ही नहीं रहा था, जिसके बाद हालात काबू में आए और 2022 इसी शांति के साथ बीत गया। लेकिन ये शांति चाइना में तूफान से पहले वाली साबित हुई, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना में ये वेरिएंट आने वाले कुछ महीनों में लगभग 60% से ज्यादा की पॉपुलेशन को अपने कब्जे में ले लेगा, यानी करीब 80 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को इसका शिकार होना पड़ेगा। लेकिन उससे भी ज्यादा दिक्कत की बात ये है कि आने वाले 90 दिनों में ऐसा भी कहा जा रहा है कि चाइना में 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान भी जा सकती है। आप इस बात का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कि बस 7 दिनों के अंदर ही चाइना में करीब 250 मिलियन से ज्यादा लोग इससे इन्फेक्टेड हो चुके हैं। अब इसे समझने के लिए आपको एक टर्म समझना पड़ेगा कि इन वेरिएंट का जो दूसरों को इन्फेक्ट करने का रेट है वो बाकियों से कहीं ज्यादा है। इसे ऐसे समझिए कि कोविड-19 वाले पहले वायरस में अगर वायरस किसी एक इंसान को हो रहा था तो वो 2 से 3 लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, जिसके बाद आया ओमिक्रॉन जिसका रेट करीब 11 था, यानी एक इन्फेक्टेड इंसान 11 लोगों तक ये इन्फेक्शन पहुंचा सकता था। लेकिन दोस्तों ओमिक्रॉन को भी पीछे छोड़ते हुए BF.7 का रेट सामने आया है वो 16 है, यानी कि एक इन्फेक्टेड इंसान 16 और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसीलिए ये वेरिएंट ज्यादा चिंताजनक है। दोस्तों कुछ स्टडीज तो ऐसी भी हैं जो ये बता रही हैं कि आने वाले समय में पूरी दुनिया के 10% पॉपुलेशन को ये वायरस अपनी चपेट में लेगा। लेकिन आखिर चाइना में ये नया दौर आया ही क्यों, जबकि वहाँ तो कोविड के खिलाफ बीते नवंबर तक जीरो कोविड पॉलिसी का बड़ी सख्ती से पालन किया जा रहा था। सख्ती इतनी थी कि लोग रास्तों पर उतर आए उसके विरोध में, जिसके बाद सरकार को लोगों की मांग के आगे झुकना पड़ा और जीरो कोविड पॉलिसी हटा ली गई। और जैसे ही लोगों ने निकलना शुरू किया वैसे ही करोड़ों लोग इसकी चपेट में वापस आ गए। खैर अभी भी चीन की सरकार तो इस बात से इनकार कर रही है कि इस नए वेरिएंट से डेथ के केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई अगर देखी जाए तो वो कुछ और ही नजर आ रही है। अमेरिकी न्यूज एजेंसी राइटर्स की एक रिपोर्ट कहती है कि बीजिंग में कोरोना से हुई मौतों के लिए निर्धारित किए गए शमशान घाट के सामने डेड बॉडीज की गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है। और ये तो सिर्फ बीजिंग की बात हो रही है, ये हाल शंघाई वुहान जैसे बड़े शहरों का भी है। उसके बाद भी सरकार इन आंकड़ों को छिपा रही है। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि चीन में इस वायरस से होने वाली डेथ में वही लोग काउंट हो रहे हैं जिनके डेथ के बाद उनके फेफड़ों में इसका असर एक्सरे में नजर आ रहा है, जो कि गलत है क्योंकि WHO के हिसाब से इस वायरस से होने वाले हर उस डेथ को काउंट किया जाएगा जिसमें मरीज पर इनडायरेक्टली भी इस वायरस का असर हुआ हो, जैसे किसी को किडनी की दिक्कत हो रही हो, कोई हार्ट पेशेंट रहा हो या किसी को कोई और बीमारी रही हो। लेकिन चीन की सरकार के लिए मौत के बाद का एक्सरे ही काउंटिंग का इकलौता तरीका है। ये एक तरह से अपनी इमेज साफ करने के लिए भी की जाने वाली हरकत है। आज चीन के अस्पतालों में मरीजों के लिए बेड नहीं है और यहाँ तक कि दवाइयों की भी भारी कमी हो गई है। चीन जिस ताइवान से अभी तक दवाइयाँ इम्पोर्ट कर रहा था उसने भी बढ़ते केसेस को देखते हुए खुद को सिक्योर रखने के लिए दवाओं के एक्सपोर्ट पर लिमिट सेट कर दी है। इन हालातों को देखकर लग सकता है कि आज चाइना की हालत बिल्कुल सही नहीं है। अब यहाँ से सवाल उठता है कि आखिर ये नया वेरिएंट कितना खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों बतौर इंडियंस हमारे लिए ये वायरस उतना खतरनाक नहीं होने वाला जितना कि ये चाइना के लोगों के लिए होगा। इसका एक बहुत बड़ा कारण है जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले आपको ये बता दें कि ये वायरस आपको भी अपनी चपेट में ले सकता है। ये वेरिएंट वैक्सीन को मात दे सकते हैं, साथ ही इन्फेक्शन के बाद शरीर के नए इम्यूनिटी सिस्टम को भी तोड़ सकते हैं। हालांकि इसके ओमिक्रॉन से अधिक सीरियस होने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। कभी कभार कुछ उम्रदराज अस्वस्थ और वैक्सीन न लगे लोगों को निमोनिया हो सकता है। ज्यादा चिंता इस बात की है कि कभी भी एक नया वेरिएंट आ सकता है जिसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है। अब आते हैं इस बात पर कि चीन के इस नए वेरिएंट से फिर उनको क्यों इतनी दिक्कत हो रही है।
जबकि इसे इतना खतरनाक नहीं बताया जा रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है चाइना के पास बहुत जल्दी वैक्सीन का आ जाना। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि जब पहली बार दुनिया भर को कोविड पीड़ित मरीज बनाकर चीन कुछ ही महीनों में खुद को इसके प्रकोप से बाहर करके पूल पार्टी कर रहा था, तभी दूसरी वेव ने दस्तक दी तो चाइना के वैक्सीनेशन का राज खुल गया और गवर्नमेंट ने जीरो कोविड पॉलिसी के तहत सबको घरों के अंदर बंद कर दिया, जिससे हुआ ये कि वहाँ के लोग उस सेकंड वेव के कांटेक्ट में नहीं आ पाए, जिससे उनके भीतर एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो पाई जो कि इस वेरिएंट के खिलाफ बॉडी को प्रोटेक्ट कर सके। यही कारण है कि अब जब जीरो कोविड पॉलिसी को हटाया गया और लोग वायरस के कांटेक्ट में आए तो पूरे चीन की हालत खराब हो गई, जबकि भारत में ऐसा नहीं हुआ। लोग सेकंड वेव के दौरान उस वायरस के कांटेक्ट में आते रहे, जिससे लोगों की डेथ तो हुई लेकिन उसके साथ फायदा ये हुआ कि भारत के लोगों में इस वायरस के खिलाफ लड़ने वाली एक नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गई। यही कारण है कि आज ये वेरिएंट भारत के लोगों के लिए उतना खतरनाक नहीं साबित होने वाला जितना कि ये चाइना के लोगों के लिए होगा। इसके अलावा अगर एक और कारण पर नजर डालें तो चीन ने ये दावा किया कि उसने करीब 90% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी, क्योंकि कई स्टडीज में ये दावा किया गया कि चीन में 50 साल से ज्यादा लोगों में सिर्फ 50% को ही वैक्सीनेट किया जा सकता है। यही कारण है कि वैक्सीन की कमी के कारण इन लोगों की बॉडी में किसी भी तरह की इम्यूनिटी नहीं बन पाई, जिससे कि जब वो कांटेक्ट में आ रहे हैं तो उन्हें ये वायरस बहुत तेजी से अपने चपेट में ले रहा है। अब वैक्सीन की ही बात कर लें तो चाइना भी ये मान रहा है कि उसका वैक्सीनेशन लगभग फेल हो गया है, इसीलिए अब इस वायरस से बचने का इलाज घरों में रहना नहीं है बल्कि जरूरी वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि चाइना की इकॉनमी बीते 2 सालों से किस हिसाब से बर्बाद हो रही है ये हम लोग देख ही रहे हैं। लेकिन अगर बात रीवैक्सीनेशन की करें तो आज के समय में जो हालात चाइना में चल रहे हैं उसे देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि चाइना में ये बहुत जल्द पॉसिबल हो पाएगा। खैर, चीन की सरकार का ईगो खत्म हो गया और उसने अपने देश की वैक्सीन से भरोसा हटाते हुए जर्मनी से वैक्सीन इंपोर्ट करने के लिए मंजूरी दे दी है, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाली इस कंट्री में सिरे से सब कुछ वैक्सीनेट करना कोई आसान काम नहीं होने वाला है। इसके लिए कई महीनों का समय लग सकता है। ऐसे में जो 90 दिन का नया डर सामने आया है उसे रोकना इस समय चीन के लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। अब अगर हम देखें तो भारत पर और दुनिया के उन देशों पर इसके असर की बात तो की जा रही है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि ये वेरिएंट उतना खतरनाक तो नहीं हो सकता। चीन में इस तरह से फैलने के कारण ये लोगों की बॉडी में ही म्यूटेट होकर कोई ऐसी शक्ल ले सकता है जिसका खतरा इससे कई गुना ज्यादा हो, जिसके लिए हमें सावधान रहना होगा। इसके अलावा ये नया वेरिएंट आने वाले समय में कई देशों के वैक्सीनेशन रिपोर्ट की पोल भी खोल सकता है। ऐसे में अगर किसी देश ने फर्जी वैक्सीनेशन के दम पर खुद को कोविड फ्री बताया होगा तो वहाँ पर ये नया वेरिएंट तबाही मचा सकता है। बात करें इस वेरिएंट की एंट्री की तो BF7 वेरिएंट का पहला केस चीन के इनर मंगोलिया प्रांत में मिला था, जिसके बाद अब तक ये वायरस भारत, अमेरिका, UK, बेल्जियम, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क के साथ साथ कई यूरोपीय देशों में फैल चुका है। ICMR की स्टडी के मुताबिक भारत में कोरोना की जो लहर सामने आई थी उसमें 65-70% आबादी इससे इन्फ्लुएंस थी, कुछ राज्यों में इसकी संख्या इससे भी अधिक रही। एक्सपर्ट का मानना है कि इससे उनमें लड़ने की कैपेसिटी आ चुकी है। इसके बाद भारत की एक बड़ी आबादी को टीका लग चुका है। कुछ ऐसी भी स्टडीज सामने आई हैं जिसमें इस बात का जिक्र है कि नेचुरल एंड कोरोना वैक्सीन दोनों की वजह से जो इम्यूनिटी आई है वो लंबे समय टिकाऊ रहती है। ऐसे में भारत में मेजॉरिटी मैन लोगों ने दोनों तरीकों से कैपेसिटी हासिल कर ली। खैर, इस सब के बावजूद हमें थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी है और फेक इन्फॉर्मेशन से बचने की भी जरूरत है। आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।